मॉर्निंग गाइस, आज सुबह के 6:30 बज रहे हैं। एक नए दिन की शुरुआत। तो मेरे जो पिछले पिछले जो ब्लॉग पड़े हैं अभी पूरे एडिट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो एक हफ्ते से पूरा बिजी था, तो मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 4 से 5 बजे उठने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। पूरे वीडियो जितने भी पड़े हैं सब एडिट करने वाले पड़े हैं, मेरी कोई वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है। तो शायद मैंने कल एक मेरी वाइफ ने अपडेट अपलोड की है, तो उसके बाद भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि दुकान भी संभालो, डुग्गू को भी संभालो, तो इसके लिए दोनों के पास टाइम नहीं मिलता। क्योंकि डुग्गू बहुत शरारती है, उसको संभालना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा, आपको सबको तो पता ही है, बच्चा इधर उधर हाथ मारता है, उसको खींच उसको खींच, डर लगता है कुछ मुंह में डाल ना ले ऐसा वैसा। क्योंकि डुग्गू है ही ऐसा, जो भी मिलता है पहले मुंह में डालता है, उधर हाथ डालता है उधर हाथ, उसको खींच उसको खींच, बहुत परेशान करता है। तो सारा दिन उसी में जी उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है उसकी मम्मी की। तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल से कल एक वीडियो, क्योंकि फिर कस्टमर भी देखने होते हैं और मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि मेरा मोबाइल का काम है रिपेयरिंग का, तो मुझे भी दोपहर के टाइम थोड़ा टाइम मिलता है तो मार्केट निकलना पड़ता है। मार्केट में जाओ तो 1 से 2 2.5 घंटे उसमें लग जाते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है कि मोबाइल का, तो सब देख के करना पड़ता है। डुगू अभी सो रहा है, तो अभी मेरी एकदम से नींद खुली, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश 4 से 5 बजे उठा करूँ, तो अपनी वीडियो एडिट कर लिया करूँ, तो टाइम बिल्कुल नहीं होता। अभी मैं फ्रेश होऊंगा, पहले तो एक कप, हम कप क्या घर में सिलेंडर कल ख़त्म हो गया, तो अभी कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे नहीं, देखेंगे दुकान में जाके करते हैं। तो अभी जाके मैं फ्रेश होता हूँ, और डुग्गू तो अभी सो रहा है, तो अभी वो आएगा नहीं। अगर उसको उठाऊंगा तो उठ भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी सोने दो, क्योंकि वो भी सारा दिन शरारत करने में बिजी रहता है, इसके लिए जल्दी सोता नहीं है। थोड़ा अगर उसको सुलाओ तो 4 से 5, कम से कम 5 या 10 मिनट सोएगा और उठ जाता है, थोड़ी देर सोता है और कई बार नींद में ही उड़ जाता है, उठ के बैठ जाएगा। अभी तब थोड़ी देर बाद उठेगा ना, तो कई इंसान होते ना सोते हैं तो नींद खुलती है, थोड़ा सो लेते हैं, वो क्या करता है उठता है, नींद उसकी आँख खुल गई सीधा उठ के बैठ जाता है, तो फिर इधर उधर देखेगा, कोई सामान देखेगा तो उसके पास भागता है, हैं फिर वो मुंह में डालता है, ऐसा है, इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उठता है तो कहेंगे इधर उधर ना चल जाए, ये सामान देखता है, उसको नींद में ही रहेगा ना तब भी उठ जाएगा, नींद में ही इधर उधर सामान उठा के मुंह में डालता है खींचता है, तो इसके लिए उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और चलो ठीक है, चलो रखता हूँ, बाय। अगले ब्लॉग में मिलता हूँ, मैं कोशिश करूँगा जितने मेरे ब्लॉग पड़े हैं मैं एडिट करूँ और आप तक पहुँचाऊँ अपनी बात।